चलो अब सारा काम हो गया है, अब जल्दी से जाती हूँ, जल्दी मैं भी तैयार हो जाती हूँ, मुझे भी तो अभी स्कूल के लिए निकलना है। खाना बन गया हो तो जल्दी दो, बच्चे चले गए हैं ऑटो में। हाँ अभी लाई, बस हो गया, किचन साफ कर रही थी क्योंकि मम्मी जी फिर गुस्सा होने लगती हैं। वो कहती हैं कि मुझे और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, मेरा काम होना चाहिए बस, तुम चाहे भूखी जाओ चाहे प्यासी जाओ। तो इसीलिए मैं रसोई साफ करके बस आपके लिए खाना ला रही थी। क्या हुआ, खाना नहीं खाई? नहीं भूख नहीं है, हो गया टिफिन पैक कर लिया है, चलिए चलते हैं स्कूल। थोड़ा तो खाना खा लो, ऐसे भूखे पेट जाओगी तो कमजोरी लगेगी। नहीं जी चलिए, एक दिन नौकरी थोड़ी ना करनी है, बच्चों के भविष्य के लिए अभी घर भी बनवाना है, बहुत सारे काम है, बहुत जिम्मेदारियां हैं, अभी देवर जी की शादी भी करवानी है। तुम सबके बारे में कितना अच्छा सोचती हो, लेकिन फिर भी मैं अपने घर वालों को कभी नहीं समझा पाया। वो तुम्हारे बारे में हमेशा बुरा ही सोचते रहते हैं कि इसको किसी बहाने से कैसे तकलीफ दी जाए। यही सोचकर मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ कि तुम्हारा स्वभाव आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। चलिए छोड़िए ये सब बातें, चलते हैं विद्यालय, सोचने दीजिए जिसको जो सोचना है, मैं जैसी सोच रखूंगी तो वो मुझे ऊपर वाला ही देगा।